हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर पे हैं। ये जो सीरीज़ है रेलिवेंट रहने वाली है वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर PULB, CUET, CLAT और एनी अदर सच एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड। एज यूजुअल मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज, कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, विच इज द ऑप्शन डी। न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी और कलेक्शन ऑफ करेंसी इंक्लूडिंग कॉइन्स, टोकन्स, पेपर मनी एंड अदर सच रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। आगे चलते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? इसका सही आंसर है ए, अलेक्जेंडर कनिंगम। जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे थे, जो 1861 में हुआ था। इसके बाद इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड किया। आगे चलते हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। आगे मूव करते हैं। एपिग्राफी देख लेते हैं एक बार क्या है। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिटन मैटर रिकॉर्डेड ऑन हार्ड और ड्यूरेबल मटेरियल। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता रहता है, तो इसका सही आंसर है खरोष्ठी डी। जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है, अनलाइक आर स्क्रिप्ट जो कि लेफ्ट टू राइट चलती हैं ऐसे, ये राइट टू लेफ्ट चलती थी। ठीक है, तो ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट की यूनिकनेस है, ये आपको याद रखनी है। खरोष्ठी इज द स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। द खरोष्ठी स्क्रिप्ट वॉज अ राइटिंग सिस्टम ओरिजिनली डेवलप्ड इन द प्रेजेंट डे नॉर्दर्न पाकिस्तान समवॉट बिटवीन द 4th and 3rd century BC। जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है वॉज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ प्राकृत। प्राकृत एक लैंग्वेज का नाम है, इंडियन आर्यन लैंग्वेज है। इसको लिखने के लिए खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी और ये काफ़ी प्रेवलेंट थी नॉर्दर्न पाकिस्तान में, ईस्टर्न अफगानिस्तान में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल एशिया में। आगे चलते हैं। हु डिसाइफर्ड द ब्रह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होगा, आगे भी आप देखेंगे। जेम्स प्रिंसेप इसका सही नाम है। जो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। देखते हैं। 1838 जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर्ड द लेटर्स ब्रह्मी एंड खरोष्ठी विच वर यूज्ड इन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइनेज। जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइटिंग स्टाइल इन एंशिएंट इंडिया। जो रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका थे, एडिक्ट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, जो पहले ऑर्डर्स दिए जाते थे वो एक रॉक के ऊपर लिखे जाते थे, तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। तो अशोकन जो एडिक्ट्स हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी पॉपुलर हैं। इसके अलावा खरोष्ठी स्क्रिप्ट में भी काफ़ी लिखे गए हैं, जो कि गंधारा किंगडम में पाए जाते हैं, विच इज़ इन द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ये कौन सी लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे? प्राकृत और संस्कृत में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स वॉज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे ही अशोकन एडिक्ट्स की बात आती है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट की बात आती है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट की बात आती है, तो जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर, आपको ये याद रखना है। द ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ हिम्स, काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदा सबसे पहला वेद था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पहला, तो ऋग्वेद सबसे पहला था, ये हमें पता है। आगे चलते हैं। द पुरुष सूत्र रिलेटेड टू वर्णा सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, जो पुरुष सूत्र है सब ये ऋग्वेद में पाया जाता है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ वर्णा इज फाउंड इन पुरुष सूक्तम वर्स ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऋग्वेदा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेद? जो यजुर्वेद है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक उनमें से पार्ट है शुक्ल। तो कौन सी संहिता है जो शुक्ला यजुर्वेद की है? उसका आंसर है वाजसनेयी, ए इज द राइट आंसर। द यजुर्वेद इज द वेदा प्राइमरिली ऑफ प्रोज मंत्रास फॉर वर्शिप रिचुअल्स। द संहिता इन द शुक्ला यजुर्वेद इज कॉल्ड द वाजसनेयी संहिता। द नेम वाजसनेयी इज डिराइव फ्रॉम वाजसनेया, द पेट्रोनेमिक ऑफ सेज याज्ञवल्क, जो फाउंडर ऑफ वाजसनेयी ब्रांच। ठीक है, ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यजुर्वेद जो है उसके दो पार्ट हैं, और जो वाजसनेयी संहिता है ये शुक्ला यजुर्वेद का पार्ट है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज डॉटर्स ऑफ प्रजापति? कौन से वेद में सभा और समिति को डॉटर्स ऑफ प्रजापति बोला गया है? इसका आंसर है अथर्ववेद, सॉरी। सो इन अथर्ववेद सभा एंड समिति वर मेंशन टू बी द डॉटर्स ऑफ प्रजापति। आगे चलते हैं। त्राई इज अ नेम फॉर तीन वेदों को त्राई बोला जाता है।
सो सबसे पहले सिर्फ तीन वेद ही रिकग्नाइज किए गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और तीनों को एक साथ बोला जाता था त्राई। नचिकेता लेजेंड जो है इट फाइंड्स मेंशन इन नचिकेता जो है कथोपनिषद में उसका वर्णन मिलता है। जो नचिकेता इज मेंशन इन कथोपनिषद, कथोपनिषद क्या है, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ एंड अ 12 ईयर ओल्ड बॉय नचिकेता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, कथोपनिषद। सर्ग प्रतिसर्ग वंशा मनवंत्रा एंड वंशनु चरिता आर द इंडिकेटर्स ऑफ पुराणास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ये जो सारे हैं दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ पुराणास। आगे चलते हैं, कालिका पुराना इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। इसका सही आंसर है बी, शक्तिज्म। कालिका पुराना इज वन ऑफ द 18 माइनर पुराणास इन शक्तिज्म। इट ग्लोरीफाइज द गॉडेस कामाख्या। ठीक है, शक्तिज्म इज अ हिंदू डिनोमिनेशन दैट फोकसेस ऑन द वर्शिप ऑफ शक्ति और देवी। आगे चलते हैं, हु रोट पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। इसका सही आंसर है विलियम एच स्कॉफ। आगे चलते हैं, द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द कंट्री डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इज सिचुएटेड इन भोपाल। जो ये म्यूजियम है, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और उसको बोलते हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड और म्यूजियम ऑफ मैन। ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है जहाँ पे एक इंटीग्रेटिव स्टोरी में बताया गया है एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड कल्चर। ठीक है, आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। इसका आंसर है भीमबेटका। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से भीमबेटका जो नाम है आपको याद आ जाना चाहिए, ये काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। भीमबेटका इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर इन फुट हिल्स ऑफ विंध्यन माउंटेन्स, जो कि हमें पता है मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स। इसका आंसर है सी, V.S. वकांकर। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। डॉक्टर V.S. वकांकर डिस्कवर्ड दिस केव्स। भीमबेटका का मतलब क्या है, द सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर ऑफ पेलियोलिथिक एज। ठीक है, ये हम देखेंगे ऑन कौन सी एजेस होते हैं आगे जाके। और एक आपको ये भी याद रखना है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मूव ऑन, इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट। इसका सही आंसर है आदमगढ़। एक और जगह का आपको नाम याद रखना है, आदमगढ़ तो हमने पढ़ लिया इन मध्य प्रदेश, भागोर है इन राजस्थान, यहाँ पे एविडेंस मिला था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता रहता है। ये मैंने एक आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर द पीरियड्स। सबसे पहले हम याद करते हैं पेलियोलिथिक पीरियड है, जिसको ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है। ये तकरीबन 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक काउंट किया जाता है। इसमें भी फर्दर स्टेजेस हैं, लोअर, अपर, मिडल। ठीक है, इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे टाइम आएगा हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रख लें कि सबसे पहले पेलियोलिथिक पीरियड था। उसके बाद आया मेसोलिथिक पीरियड जो कि 10,000 BC से 6,000 BC तक था। उसके बाद था नियोलिथिक पीरियड जो कि 6,000 से लेके 1,000 BC तक था। देन केम दी चार्कोलिथिक पीरियड जो कि 3,000 BC से लेके 500 BC तक था। इन दोनों के बीच में कहीं इंदस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है हमें। ठीक है, और उसके बाद आता है आयरन एज जो कि 1500 BC से 2,200 BC तक था। यहाँ पे हमें वैदिक एज देखने को मिलती है। हम जैसे आगे हिस्ट्री के चैप्टर्स करेंगे हमें ये और क्लियर होता रहेगा। ये आपकी इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाल दिया है सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू पुट इट इन टू अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आगे चलते हैं, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। इसका सही आंसर है महादहा। सो अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेसोलिथिक साइट इन महादहा विच इज अ प्लेस इन UP। थ्री ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। इसका आंसर है दमदमा। जो दमदमा है इज अ मेसोलिथिक साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP।
इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिटवीन 1982-97, ये रेलिवेंट नहीं है. ड्यूरिंग दिस एक्सकेवेशन इन दमदमा अ टोटल ऑफ 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड. आउट ऑफ द ग्रेव्स दैट वर फाउंड, 4 वर डबल बरियल. मतलब 4 ऐसे ग्रेव्स थी जहाँ पे डबल बरियल, दो दो लोगों की बरियल्स हो रखी थी. इन दीज डबल बरियल्स, 2 बरियल्स इंक्लूडिंग मेल फीमेल, 1 बरियल इंक्लूडिंग 2 फीमेल बॉडीज एंड 4th बरियल इंक्लूडिंग 2 मेल एंड 1 फीमेल. लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर इससे फ्रेम होगा तो ये होगा कि ट्रिपल बरियल कहाँ पे मिला. तो ये ट्रिपल बरियल के लिए आपको याद रखना है. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ना भी याद रहे तो कोई मैटर नहीं है, दमदमा से आपको ट्रिपल बरियल याद रखना है. और 4 ह्यूमन स्केल्टन की बरियल से आपको याद रखना है सराई नहर राय. लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रिपल बरियल मिला था दमदमा में. आगे चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक पीरियड. ये हम पहले देख के हटे हैं. एक आदमगढ़ था जो एमपी में है, एक भागोर है जो कि राजस्थान में है, जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंसेस मिले हैं. विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज हैज गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसका आंसर है मेहरगढ़. ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था. तो जो मेहरगढ़ है वो नियोलिथिक साइट है. कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में. यहाँ पे जो आपको ग्रेन्स मिले थे, कुछ राइस के कुछ एविडेंसेस मिले थे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है. द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुरजहम. जो ये जगह है ये कश्मीर में है. बुरजहम एंड गुफ कराल ऑफ द प्रोविंस ऑफ कश्मीर आर नोटेबल नियोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया. द डिस्कवरी ऑफ बरियल साइट कॉल्ड बुरजहम वॉज डन By so and so, not very important. Remains of homes having pits, जो घर थे उनमें pits थी, रहने की जगहें pits की form में थी. तो ये काफ़ी famous question है, बार बार repeat होता रहता है, तो आपको याद रखना है. pits को आपको बुरजहम के साथ relate करना है, याद रखें इसको. आगे चलते हैं. From which rock shelter of Vindhyas a maximum number of human skeletons have been found? इसका answer है गगरिया. जो गगरिया है वहाँ से मोस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं. ये जगह कहाँ है? विंध्यास में है. आगे चलते हैं. ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विद नियोलिथिक साइट एट. जो ऐश माउंट है ये संघना कुल्लू के साथ रिलेटेड है. देखते हैं हम. नियोलिथिक ऐश माउंट्स समटाइम्स ऑल्सो टर्म्ड एज सिंडर माउंट्स आर मैन मेड लैंडस्केप फीचर्स फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया. ठीक है, माउंट्स हैं जो सदर्न इंडिया में मिलते हैं अराउंड बेलरी कर्नाटका में. जो संगना कुल्लू है इट्स एन एंशंट आर्कियोलॉजिकल साइट फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स फ्रॉम बेलरी. ठीक है, तो आपको बेसिकली ये टर्म याद रखना है और आपको याद रखना है ऐश माउंट्स, नियोलिथिक ऐश माउंट्स. इन दोनों को आपको रिलेट करना है. दैट्स इट. आगे चलते हैं. द ओकरे कलर्ड पॉटरी वॉज क्रिश्चनड इन हस्तिनापुर. ठीक है, इसके साथ मैंने आपको एक बेसिक सी ना क्रोनोलॉजी दे दी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी पे बनेगा कि कौन से टाइप की पॉटरी पहले आई थी और कौन सी बाद में आई थी. तो ये आपके लिए याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले ओकरे कलर्ड पॉटरी थी जो कि 2000 से 1500 BC के आसपास के टाइम पे मिलती है. उसके बाद ब्लैक एंड रेड वेयर है जो कि 1415 से लेकर 1200 के BC आसपास के मिलती है. फिर है पेंटेड ग्रे वेयर जो कि 1200 से लेके 600 या 500 BC के आसपास मिलती है. और फिर नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है जो 700 से लेके 200 BC तक मिलती है. ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको याद रखना है आपको, क्योंकि आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन डाल सकते हैं या फिर साल पूछ सकते हैं. तो आपको ये चारों चीज़ें याद होनी चाहिए. या फिर अगर आपको एजुकेटेड गेस भी लगाना है तो अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आप लगा सकेंगे वो गेस को. आगे चलते हैं. Which of the following is the correct order of Vedic literature? Correct order क्या है? पहले संहिता थी, संहिता आती हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर क्या आता है? फिर उपनिषद आते हैं. ठीक है, संहिता क्या है? संहिता literally means put together, joined or union. ठीक है, it is a collection and a methodical rule based combination of text or verses. ठीक है, ये आपको याद रखना है. इसमें आपको क्या मिलते हैं? मंत्रास मिलते हैं, हेम्स मिलते हैं, प्रेयर्स मिलते हैं, लिटनीज मिलती हैं, बेनेडिक्शंस मिलती हैं. उसके बाद वेदा में आते हैं ब्राह्मणास विच आर कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ वेदिक हेम्स. जो मीनिंग्स हैं वो यहाँ पे आते हैं. ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस और स्टोरीज आती हैं ओरिजिन की. जो थर्ड पार्ट आता है वो अरण्यकास है
जो कि फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, रिटन इन फॉरेस्ट फॉर द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द वेदास। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वेदास का वो होते हैं उपनिषद, इसीलिए उनको हम वेदांता भी बोलते हैं। ठीक है, इट डील्स विद मेटाफिजिक्स और मेटाफिजिकल फिलॉसफी। ठीक है, इट कंटेन्स सब्जेक्ट मैटर्स एज सच एज सोल, ब्राह्मण, रीबर्थ, थियोरी ऑफ कर्मा, ये सारा कुछ आपको इसमें मिलता है देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, अथर्ववेद के साथ क्या एसोसिएट किया जाता है। अथर्ववेद के साथ यूजली मेडिसिंस अटैच की जाती हैं, एसोसिएट की जाती हैं। ऋग्वेदा के साथ की जाते हैं हिम्स, यजुर्वेद के साथ किए जाते हैं सेक्रीफिशियल प्रोसेसेस, सामवेद के साथ किया जाता है म्यूजिक। तो दैट इज़ दी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिस्टोरिकल बायोग्राफी। देखिए हर्षचरित जो है ये भी बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, विक्रम देव चरित ये भी है, और पृथ्वीराज विजय ये भी है। तो दीप वंश जो है ये हिस्टोरिकल बायोग्राफी नहीं है, तो वन जो है ये इज द राइट आंसर। देखते हैं हम दीप वंश जो है, इट इज़ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका, तो ये बायोग्राफी नहीं है, श्रीलंका का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। बाकी सारी भी देख लेते हैं। हर्षचरित का आपको याद रखना है बानवट की लिखी हुई है, ठीक है, ये हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। उसके बाद विक्रम देव चरित जो लिखी गई है वो बिलहन की लिखी गई है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद पृथ्वीराज विजय जो है ये संस्कृत पोएम है, ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन किंग पृथ्वीराज द थर्ड, ठीक है, तो ये जया नायक की लिखी गई है। ठीक है, विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर। इसके बाद हम और भी ऐसी लेक्चर्स लेके आएंगे, आपकी बिफोर द एग्जामिनेशन आपकी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पास्ट के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन या कमेंट है प्लीज़ ड्रॉप देम बिलो। वी विल मीट यू सून। थैंक यू।